लेना, इंजॉय कर लेना। और काफ़ी चेंज आया है इधर, काफ़ी चेंज और काफ़ी अच्छे। यार एक औरत चूस गई फोन, अभी ये आइसक्रीम चूसेंगे तो चूस लो आइसक्रीम। चल लिया ना तू पान की दुकान पे, बोलना इसका उसको ऐसे ही लटका रहता ना अमिताभ चंद्र। वेलकम बैक, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस मैं आई हूँ आज सुभाष नगर मॉल। आज मोना जी की वजह से आना पड़ा मुझे यहाँ पे। हाँ बकरा तो मैं ही हूँ, एक आटे की है। क्योंकि ना पता हमारा सुबह का प्रोग्राम था कि हम लोग जाएंगे आज बेस्ट ऑफ वंडर जो थोड़ा दूर पड़ता है, पर मोना जी की वजह से लेट हो गया आज का। वही जो हमेशा का जो मेरा वो सरदर्दी है, करते 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 इन्होंने अब ये शाम बजाई और आज हम, मैंने कहा फिर मेरा मन मर गया कि इतनी दूर नहीं जा रही है, हमें बहुत टाइम लग जाएगा फिर आने में जाने में, डेढ़ घंटे का जाने का आने का रास्ता टाइम ज्यादा हो जाएगा। मैं क्या सफाई दूँ, मत दो धूप बहुत है। आप बोला हाँ, तो यही वाला रीजन था। तो अभी अच्छा, थोड़ी हेलो हाय तो किया ही नहीं, हेलो तो अभी बहुत अच्छा मौसम हो गया, तो मैं चलो आज मॉल चलते हैं और इसके लिए भी हम काफी दिनों से सोच रहे थे। तो आज आए सुभाष नगर मॉल और आज आपको यहाँ का मॉल घुमाती हूँ और काफी टाइम बाद आई हूँ, दिखाती हूँ आपको आज। तो गाइज ये यहाँ पे बच्चों के लिए ही है सारा। अब पहले तो यहाँ पे ना स्टॉल वगैरह भी लगे होते थे, काउंटर लगे होते थे इस साइड पे ना, पूरे काउंटर होते थे सारे के सारे, के मतलब कि जो स्टॉल टाइप के होते थे जहाँ पे मतलब कपड़े और मतलब जो भी अपना जिसका भी जो प्रोडक्ट होता था वो यहाँ पे एक एक करके स्टॉल ले रखे थे। और मैं एक बार आई भी थी यहाँ पे स्टॉल पूछने के लिए कि अभी हम भी एक स्टॉल यहाँ पे लगा सकते हैं, तो मैं इसलिए भी आई थी यहाँ पे। पर उस टाइम चार्जेस बहुत ज़्यादा थे, अंदर के भी चार्जेस है कम बहुत ज़्यादा थे, नहीं बाहर का भी पूछा था हमने, याद करो। और ये यहाँ पे टिकट काउंटर है, ये सिर्फ बच्चों के लिए, सारा झूले वगैरह बच्चों के लिए यहाँ पे। ये सुभाष नगर मॉल है आपका, आप मेट्रो से बहुत इजीली आ सकते हो सुभाष नगर मॉल। और मोना जी को मैंने लास्ट टाइम जब अभी जनकपुरी नहीं गई थी तो मैंने हम निकले तो मॉल के लिए थे उस दिन भी, पर उस दिन बिजली का काम था और फिर मेरे को भी लेना था सामान और वहीं पर रात हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो मॉल चलते हैं आज। उस दिन नहीं जा पाए सॉरी, तो आज आ गए क्योंकि जो वेस्ट वंडर तो मेरे को लग नहीं रहा कि लेके जाएंगी मुझे क्योंकि धूप बहुत है। गाइस धूप बहुत है, दीदी का कहना ही हर बार का यही होता है, धूप बहुत है, धूप बहुत है। तो मुझे लग रहा है जब सर्दी आएंगी ना तभी धूप कम होगी और तभी दीदी कहीं मुझे कहेंगी चल सोने का चल लेते हैं, क्योंकि यार भाई मेरा साथ तो यही है, मेन कहना साथ चाहिए होता है इंसान को, अकेले क्या करूँगी मैं कहीं जाके, तो मैं दीदी का साथ पकड़ लेती हूँ। अब इनकी जगह कोई और आ जाएगा तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी, रात जाता नहीं है सेली और कोई है नहीं ना, सेली को ले जाना चाहती हूँ सेली, इसलिए मैं एटीट्यूड में रहती हूँ, एटीट्यूड बहुत अच्छा मॉल है। मैं पहले ना वैसे रजौरी गार्डन का था बोल बाला, रजौरी गार्डन में मॉल था काफी अच्छा, वो बंद हो गया धीरे धीरे क्योंकि सारा क्राउड इधर आने लग गया था, क्योंकि नया नया बना था और बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है, बहुत प्यारा यहाँ पे मल्टीप्लेक्स भी, मतलब कि यहाँ पे मूवी वगैरह भी देख सकते हैं। और जो रजौरी गार्डन का था वहाँ पे डिस्क वगैरह भी थे, वो सब बंद हो चुके हैं धीरे धीरे, मतलब बंद ही हो गया एक तरीके से रजौरी गार्डन। अब मैं आपको अंदर का मॉल दिखाती हूँ का एंट्रेंस, तो हम मैं और दिया बिंद एंटर हो रहे हैं अंदर। तो गाइस ये मैं स्टारबक्स का मतलब कॉफी वगैरह का यहाँ पे हैगा, और ये जारा का ब्रांड की चीज कहाँ पे नहीं नहीं वो तो मैंने देख लिया, तो ये स्टारबक्स है और ये जारा ब्रांडेड जितने ब्रांड है उनके काउंटर सारे यहीं पे होते हैं। और ये देखो काफी ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा मॉल है ये। ये मॉल में क्या है, गड्डी जांदी जांदी है चल छलांगा मार के, आई थिंक पंजाबी एक्ट्रेस है ना सारे यहाँ पे, सारी गाड़ियों की लगी हुई है। और देखो मैं दिखा दूँ आपको, लाइन से एग्जीबिशन लगे आई थिंक सो यहाँ पे, ये देखिए सारी गाड़ियाँ एग्जीबिशन में लगी, मैं आई थिंक यहाँ पे वो होगा कुछ प्रमोशन हो चल रहा होगा किसी ना किसी ब्रांड का, तो ये सब के सारी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ ही, देखो मॉल के अंदर गाड़ियों का प्रमोशन, पता नहीं जो लुक देख कर ही ना मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, बड़े मतलब कि चेंज हो गया, जब भी आती हूँ ना यहाँ पे चेंजिंग हो जाता, चेंज हो जाता सारा लोटस। तो गाइज पहले हम ऊपर नहीं, पहले हम नीचे जाएंगे क्योंकि नीचे भी मैं जब आती थी नीचे मेरे ख्याल से बिग बाजार टाइप जैसे होता ना
अरे ये उसको क्या, तो गाइस हम जा रहे हैं नीचे पहले, ऊपर बाद में जाएंगे। गाइस जब से मैंने ब्लॉग शुरू करे ना, तो जहाँ भी जा रही हूँ ना, मतलब लगा लो जब मैं पहले जाया करती थी, और अब मैंने जब से ब्लॉग शुरू करे, जब से मैं जा रही हूँ भाई, चेंज हो रहा है, हर जगह चेंज हो रही है। तो नया बनवाती जा रही हूँ मैं, नहीं दीदी है ना, हो रहा है जब पहले हम आते थे, अब बहुत चेंजिंग हो रहा है, पूरी हर चीज। हाँ जनकपुरी चेंज हो गई, अब यहाँ आई हूँ तो आज यहाँ भी चेंजिंग लग रहा है, क्योंकि गाइस पहले हमने बीच से निकल नहीं रही है। हाँ मैं लॉकडाउन के बाद से अब निकल रहे हैं, लॉकडाउन के बाद से अब आई हूँ मैं। ये सारे ब्रांड, एक से एक ब्रांड है यहाँ पे। ये चायोस का है, चायोस आपने सुना होगा, जब चाय वगैरह। गाइस ये यहाँ पे इयररिंग काउंटर है, और बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इयररिंग्स हैं यहाँ पे। और आप जब नीचे आओगे मॉल से नीचे, तो ये काउंटर आपको देखिए यहीं मिल जाएगा, ये वाला काउंटर। अब बस हमने कॉस्ट नहीं पूछे, वो आपके आके पूछ लेना, क्योंकि हम सिर्फ घूमने आए हैं। दिस इज अ पॉपकॉर्न काउंटर, काउंटर दीदी की, दीदी ने बहुत कलर के अलग अलग फ्लेवर के हैं, कलरफुल भी है यार, वाओ कलरफुल कैंडी, ओ सॉरी पॉपकॉर्न, ये स्वीट है मीठे है, दीदी ट्राई करने हैं। बस जहाँ देखा खाना वहीं पहुँच जाती है। कैंडी होती है ना, कलरफुल है, कैंडी टाइप लग रहे हैं, जैसे कोई कॉफी का ऊपर कवर कवर होता है। कम डोनट खाया रखे हैं मैंने, अच्छे अजीब सा होता है। क्या है लिखा हुआ है, पहले उड़ाया आपको मान लिया, लंबी वीडियो खींच जाती है, और बहुत प्यारे प्यारे मैं बताओ, उसको ऑफिस रखने की जगह नहीं है। मम्मी कंचे खेले, गिट्टे खेलेंगे, गिट्टे खेलेंगे, तो ये मैं कह रही हूँ गिट्टे ले लेते हैं, ये टूट जाएगा। खोल दिए तूने, ब्लैक चल लिया ना तू पानी दुकान में, बोल ना इसका, उसको ऐसे ही लटका रहता था अमिताभ बच्चन का। तो गाइस हम ये दो ले रहे हैं, मोना दीदी भी दोनों ही, नहीं मैं एक लूंगी ब्लैक वाला बस। हाँ तो पर मैं ये दोनों ले रही हूँ, क्योंकि इन दोनों का बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है, और सस्ते हैं ये देखो, 99 रुपीज, बहुत सस्ते हैं। ये कांच की बोतलें बड़ी प्यारी प्यारी, दिल को भरा ले लो, बस जाकर जाकर टूट गई, खाइए समझो, ये सब तो बड़े कांच की हैं, ये सबसे नीचे वाली कांच की। तो हम आ गए बाहर, और हमने बस दियो के अलावा कुछ भी नहीं लिया, इतनी देर तो घूमते रहे, हर चीज पसंद आई थी, और सही रेंज में थी, सही रेंज में थी, कह रही ये बना ले वो बना ले, अब क्या क्या बनाऊँ, इतना सारा इतना बड़ा मॉल के अंदर क्या क्या बनाऊँ। ये है मिस्ट्री रूम, मैं दीदी को बोलो चलो इसमें चलते हैं, चले थोड़ा दूर हो ना, अरे घूम जाओगे इसमें तुम, तो ये देखो, ओहो हो कह रही जब घूम लग जाए ना, बिल्कुल चमत्कार हो जाए तब दिखाइयो। तो गाई जी ये दिखाना चाहते हैं कि देख मेरे में कितना टैलेंट है, पर ये आम। तो गाई जी ये था जिसमें हम गए थे, वो स्पोर्ट का शोरूम, मतलब स्पोर्ट के लिए था, और बहुत बहुत अच्छा सामान था। और मोना दी देखो अभी तक वहीं अटकी पड़ी है, मैं कहाँ तक चल कर आ गई हूँ, क्योंकि वो लग गई हूँ उनको लेना है, उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि मैं बाहर आ चुकी हूँ।
और उसके बाद अभी कुछ खाऊंगी और फिर ऊपर जाएंगे हम लोग। ये ढूंढ रही मुझको, ये दिखाती हूँ मैं आपको, कांगड़ी कांगड़ी, ये देखो, देखा, और दूर से देख रहे कि सोनी का भारी खड़ी है ना, तो इनका ये सीन होता है। तो देख लो कितनी दूर है अभी, आपको बता रही थी ना ये ऐसी करती है, और अगर तुम इतना ही टाइम लगाओगे तो फिर हम ऊपर कब जाएंगे, नीचे में इतना टाइम लगा दिया उन्होंने, पूरी कपड़े मारती रहती है। चलो तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर की तरफ, क्योंकि मोना दी तो पता नहीं कहाँ का चल रही है, लेती नहीं तुम पता नहीं गायब हो जाती हो, आगे पीछे उतरती नहीं है। ये तो रोज का काम है इनका। तो आज मैंने ब्लैक कुर्ता पहना हुआ है जो मैंने आपको दिखाया था, अब हम जा रहे हैं ऊपर, मैंने कह रही जल्दी घूम लेते हैं फिर कुछ खाएंगे। इतनी सुंदर लड़की थी तुम, बीच में आ गई, मैं फोटो ले रही थी। हाँ ये तो कितनी सुंदर लगती है, ऐसी बन जाओ। गाइस कितनी अच्छी गाड़ी है ये, ये ट्रक है क्या है, ये ट्रक है दीदी, है ना। हम आ गए ऊपर की साइड, ये मैं आपको नीचे का व्यू ऊपर दिखाती हूँ, ये देखो, और अभी सोफे से भी ऊपर एक और है, दीदी फोटो खींचो मेरी, ये देखो ये खींच रही है। हम आए ऊपर की साइड और अभी मैं दीदी से कहा जल्दी जल्दी कर लो, ऐसे इतना सारा तो हम नहीं कैप्चर कर पाएंगे क्योंकि फिर बहुत लॉन्ग वीडियो जाती है। तो हम ऊपर जा रहे हैं, मैं इनसे बोल रही कुछ खाओगे तो फिर ऊपर सेक्शन में है सब, अरे नहीं अरे अब नीचे से ऊपर आए, जब ऊपर जाएंगे तभी तो कुछ खाएंगे, अभी इधर ले ये कर रहे हैं, इसके लिए उसके लिए, यहाँ तो सब कुछ ऐसी चीज़ें देखने लायक ही है। ये देखो कितनी यूनिक यूनिक चीज़ें, कितना कुछ देखेंगे, कितना कुछ कैप्चर करेंगे, ये तो गलत दिमाग खिसक चुका है दीदी का। आ जाओ यार, यार ये हर चीज़ लूँगी क्या मैं, वहाँ से वहाँ तक राजस्थानी ना दीदी, यहाँ पे एक से एक चीज़ देखने वाली है, मैं कितनी वीडियो बनाऊँ। गाइस सुभाष नगर मॉल में आ जाना और घूम लेना, इंजॉय कर लेना, और काफ़ी चेंज आया है इधर, काफ़ी चेंज और काफ़ी अच्छे। यार ये औरत चूस गई फोन, अभी ये आइसक्रीम चूसेंगी, चूस आइसक्रीम, ये देखे गए आइसक्रीम, वो अपनी शक्ल ये मोना जी की रिक्वायरमेंट पे है, यहाँ पे आइसक्रीम है ये बना लो, खिलाओ खिला लिया, चलो बस खा लिया, चलो कंजूस। हेलो मैम, इधर भी देखना होता है, सारे अच्छे अच्छे खाने के, मतलब कि यहाँ पे मैं मोना जी से इतनी देर से पूछ रही हूँ, मुझे मालूम है कुछ नहीं बताएगी बंदी, यहाँ पे सारा कुछ मुझे ही खाना पड़ेगा, मुझे ही लेना पड़ेगा, तो मुझे करना पड़ेगा, अब आए तो कुछ तो लेंगे। ये आपका भाई, ये इतना छोटा कैसे है, नहीं, तो छोटी छोटी भूख को भगा हो ना, तो गाइस बहुत खोज खबर के बाद मैं और मोना दी ने डिसाइड करा कि हमने बर्गर ही पे ही आ गए, मतलब कि हम लोग ना कुछ नहीं खा सकते, घरेलू औरतें जैसे होते ना वो जैसे घर में रहने, मतलब बेचारी घूम फिर के वही पराठा दाल पा जाती है, तो ये यहाँ पे सब फीका फीका, मैंने बोला फीका फीका, हाँ मतलब स्पाइसी, हाँ अभी हम ना वहाँ गए थे एशियन फूड पे, वो भी मुझे फीका फीका बोल रहा था, थोड़ा स्वीट स्वीट मीठा मीठा टेस्ट आएगा। चलो फिर घूम फिर के हम बर्गर किंग पे ही आ गए, तो फिर बर्गर हम ले रहे हैं, तुम खाओ, मैं तो खा चुकी, देखो खत्म हल्लास। तो गाइस बस अभी यहाँ से खा लिया है थोड़ा सा और घूम के फिर हम निकल जाएंगे। निकाल निकाल ले। गाइस बस हमने खा लिया और मैं दीदी को बोलूँ चलो घर चलते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम हो जाएगा, और ये इतना यहाँ पे काफ़ी बड़ा है, तो ये एक दिन में तो पूरा नहीं, हम जैसे नहीं घूम सकते, क्योंकि मैं तो चलते चलते कमर में दर्द हो गया, और आपको पता ही मैं मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो बहुत आज आ गई थी, क्योंकि मैंने सोचा था काफ़ी दिन हो गया कि मुझे जाना था, मतलब जो आपको बता रही हूँ कि वेस्ट ऑफ वंडर का सोचा था कि जाने के लिए कि वहाँ पे जाना था, अब मॉल आ गए तो कोई बात नहीं, मॉल भी अच्छा था, और काफ़ी टाइम बाद आई तो यहाँ पे भी बहुत चेंजिंग लगी मुझे, और सब कुछ कैप्चर नहीं कर सकते, और अगर कर भी लूँगी ना तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, बहुत लॉन्ग, और वो मुझे पता है कोई देखेगा भी नहीं, वो कोई देखेगा ही नहीं, फ़ायदा ही नहीं है, मुझे पता है ये वाली वीडियो भी, अभी तो आजकल जो मेरे व्यूज़ का हाल है ना, बस मेरा चैनल कहाँ जा रहा है, बस मैं ही जानती हूँ, वो कोई बात नहीं, मेहनत करना अपना काम है, फल देना उसका काम है, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना बना के डाल रही हूँ,
और आप देखो इंजॉय करो, और सुभाष नगर मॉल जिसको आना है वो आओ इंजॉय करो, और क्योंकि बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए, आपका पूरा दिन बहुत अच्छे से बीत जाएगा। जिसको भी मतलब घूमना इंजॉय करना सब कुछ करो आके यार, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा प्लेस देखो, ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा बना रखा है। तो गाइस बस मैं और मोना दीदी यहाँ से निकलेंगे घर के लिए, ठीक है, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, मतलब आज का ब्लॉग हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि मुझे पता है घर जाके तो भी अभी यहीं पे मतलब यहीं से शुरू किया है और यहीं पे ख़त्म करती हूँ आज का ब्लॉग। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, तब तक के लिए बाय। यहाँ से कैसे गाड़ी आ रही है भैया? नहीं चलो दीदी रिक्शा पकड़ो। जाना मैम।